किसी ने प्रश्न किया था कि पाप और दुराचार करने वालों को भी पूजा पाठ करते देखा गया है तो क्या उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? तो आप बिल्कुल ऐसा समझो, नौटंकी नाटक फिल्म में भी साधु का रोल करते देखा गया है तो क्या वो जीवन मुक्त परमहंस हो जाएंगे? क्या नहीं देखा? बैठे पूरा स्वांग वही कर रहे साधु का, क्या उनको अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ना होगा? क्या उनकी भूमिकाएं बदलेंगी? क्या वो निष्पाप होकर परब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे? क्या नहीं? क्यों? क्योंकि वो नाटक कर रहे हैं, नाटक, और आप भी नाटक देखने जा रहे हैं, नाटक केवल नाटक। तुम जो कुछ नहीं सार, तो ऐसे ही तुम करो पापाचरण, उसके बाद सजाओ आरती सोने की और चढ़ाओ सोने का छत्र, और इसके बाद बोलो ओम जय जगदीश हरे। तो वो क्या हो रहा है? जैसे एक फिल्म के पर्दे पर नाटक हो रहा है वैसे ही नाटक हो रहा है। उसे उपासना नहीं मानी जाएगी। उपासना उसे कहते हैं जो भगवान की आज्ञा के अनुसार चलता है। भगवान ने शास्त्रों में यही, वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रिय है जो मेरा अनुशासन माने, मेरी आज्ञा के अनुसार। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके पापाचरण करो और उस पापाचरण से कमाए हुए धन से स्वर्ण का मंदिर बना लो, स्वर्ण का सिंहासन बना लो और खूब वैभव विस्तार सेवा का करो। वो सेवा कैसी होगी हम नहीं कह रहे, भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं। आप भागवत उठा के देख लीजिए, कह रहे हैं हे माता, जो बाहर के प्राणियों से द्रोह करता है, अन्य को दुख पहुंचाता है और मेरे श्री विग्रह की अच्छी अच्छी पदार्थों से सेवा करता है, उसकी सेवा शब्द देखो स्वांग मात्र है, जैसे राख में किया हुआ हवन। तो नाटक में स्वांग ही तो होता है, वो स्वांग ही है, उसे पूजा मत मान लेना। पूजा तभी होगी जब भगवान की आज्ञा के अनुसार तुम्हारा जीवन होगा, धर्म के अनुसार तुम चलोगे। तो ये खोटी बुद्धि वाले मनुष्य पापाचरण त्यागते नहीं है, अब ये धीरे धीरे इतने कमजोर हो जाते हैं कि भयानक प्राण नाशक स्थिति आ जाती है। अब तृष्णा और पाप मिलकर उसे नई योनि के लिए फिर वही जीवन, फिर कब तक? इसलिए अनाद्यंता तुषा तृष्णा अंतर देह गता नृणाम विनाशयति भूतानि अयो निज इवानलः। अब वो जिस योनि में जाता है तो जैसे भीतर आग रखी हो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती, जला के राख कर देती है, ऐसे ही तृष्णा भोगों की भयानक पापाचरण में अगला भी फिर बस यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जैसे काष्ठ अपने से उत्पन्न हुई आग से जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार जिसका मन विषयों का चिंतन करता है, शरीर से मनमानी आचरण होते हैं, वो अपने द्वारा ही अपना सर्वनाश कर लेता है।